तुम यही क्यों नहीं आ जाते हो अश्मि भल्ला? और दिन नहीं आओगे? हेडफोन लेना है? हरियाणा से? नहीं, नहीं मानते। अच्छा, वालिया उधर भी हो? चाय दीजिएगा साहब। सबको दिख रहा है बच्चे? रुक दो यार, इसे लगाया पर क्या लाग वाली समझ गए ना? निकलिया बंसिनिया, बंदा रिमास्टर तुम्हारा नाम क्या बच्चे? आपका शिक्षा का इस समाता को कितने भाई का भाई? और तुम क्या बात भैया? चाय पी रहे
देखो Sn T1 plus T2 plus T3 Tn minus 1 plus Tn. मतलब T1 है फर्स्ट टर्म, T2 है सेकेंड टर्म, Tn है nth टर्म. तो Sn minus 1 क्या होगा? T1, T2, T3 Tn minus 1 होगा. तो जब Tn Sn minus Sn minus 1 करोगे ऐसा तो होगा Tn. तो कभी भी है ना सम ऑफ n टर्म यदि दिया है ना Tn निकालना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे है ना. देखो एक सवाल है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस व्हिच Sn is in which sum of n term is क्या होगा Sn 3n square plus 4n plus 6. यदि ऐसा है और हमें Tn कह रहा है तो हमने क्या करना है Sn दिया हुआ है 3n square plus 4n plus 6 और Sn minus 1 हो जाएगा 3 into n minus 1 whole square 4 into n minus 1 plus 6. difference निकालो
आ गया बच्चे? दिख रहा है बच्चे सबको? सबने लिख लिया बच्चे? मिटा दूं? अल्लाह आज कुछ सवाल बनवाने हैं बच्चों को। अब तो लॉग भी कर लिया है, तो लॉग से भी इसको परेशानी नहीं होना चाहिए। नहीं बोला क्या गड़बड़ लग रही हो? अच्छा हाँ, सिक्स एन माइनस वो सब उतना सुधार लेता है बच्चा जो देखो बच्चे, एक पीआर क्यूआर एंड आर टर्म्स ऑफ एन एबी आर A comma B comma C respectively, then prove that A into Q minus R, B into R minus P, C into B minus Q is equal to 0. और दूसरा A minus B into R, B minus C into B, C minus A into Q. चलो प्रूफ करो तो बच्चे। बच्चे प्रूफ हो जाएगा सबसे?
बच्चे टेंथ का क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, और सर करवा दो प्लीज, मतलब बता दो बच्चे ओजस्वी बता दो, ओके। देखो बच्चे, पीएच टर्म का मतलब है, पीएच टर्म का मतलब है फर्स्ट टर्म है, देखो एबीसी पीएच टर्म, लेट फर्स्ट टर्म बी एक्स एंड कॉमन डिफरेंस बी वाई। अब देखो बच्चे पीएच टर्म क्या हो जाएगा, टर्म क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस लॉग हो गया माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू ए। इसी तरह से क्यू एफ टर्म हो जाएगा, क्यू एफ टर्म एक्स प्लस क्यू माइनस वन वाई इज इक्वल टू बी, आर एफ टर्म हो जाएगा एक्स प्लस आर माइनस वन वाई इज इक्वल टू सी। अब देखो बच्चे, पहला सवाल कहता है, पहला सवाल क्या कहता है, a इंटू क्यू माइनस आर, तो दोनों साइड ये इक्वेशन वन है टू है और थ्री, हमें क्या करना है इक्वेशन वन में q माइनस आर से मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू क्यू माइनस आर प्लस p माइनस वन इंटू y into q minus r is equal to a into q minus r, y इसमें r minus p से मल्टीप्लाई करो, x into r minus p, q minus 1 into y into r minus p, b into r minus p, x into p minus q plus r minus 1 into p minus q is equal to c into p minus q। अब तीनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो जोड़ने से x टर्म q minus r plus r minus p plus p minus q plus y common, एक बार pq minus pr plus qr minus pq प्लस क्या होगा, प्लस आर पी माइनस क्यू आर माइनस क्यू वाई, कटेगा क्या माइनस वाई,
हाँ वाई, देखो ये देखो आर माइनस क्यू प्लस पी माइनस आर प्लस क्यू माइनस पी इज इक्वल टू, यहां पे इज इक्वल टू ए इंटू माइनस आर बी इंटू आर माइनस पी सी इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है बच्चे, तो ये देखो ये सारा कट के जीरो, ये भी कट के जीरो, ये भी कट के जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू यानी ए इंटू क्यू माइनस आर बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, क्या आ गया बच्चे जीरो। रुक हुआ, चलो दूसरा बात सर, हम एबीसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन में, इजी होगा ये फर्स्ट स्टेप कर सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर निकल जाए, है ना। चलो बच्चे जल्दी बनाओ, फर्स्ट बना लिया सेकंड बनाओ, कोशिश करो दुनिया, फर्स्ट बना लिया सेकंड बनाओ, समझ में आया बना। बच्चे आ गया दूसरा बना, सबसे दूसरा बता दूं किसी को, कोई है जिसे पूछना है दूसरा इसका, ओके ठीक बिता दूं तब। So that the sum of m plus n and m minus n term of an AB
is equal to twice the amount charged. बच्चे बना दो बच्चे किसी को पूछना है? कोई है जिसने पूछना? देखो बच्चे, जिसने पूछना है एमएथ टर्म और एम प्लस एनएथ टर्म, तो देखो ए प्लस फर्स्ट टर्म ए मान लिए और एम प्लस एन माइनस वन डी ये मान लो, सो देन एमएथ टर्म प्लस सम ऑफ एनएथ टर्म ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन डी
ये हो गया टी एम प्लस एम प्लस टी एम माइनस एम। तो टी एम प्लस एम प्लस टी एम माइनस एम टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन एम माइनस एन माइनस वन डी। ये हो गया टू ए प्लस टू एम माइनस टू डी। ये टू ए प्लस एम माइनस वन डी। ये हो गया टू इंटू टी एम। तो टी ऑफ एम प्लस एन प्लस टी ऑफ एम माइनस एन क्या आ गया टू ऑफ टी एम, यानी टू टाइम्स ऑफ एम एफ टर्म। बन गया बच्चे, दूसरा सवाल पहला सवाल बना बच्चे, ये वाला जो अभी लिखा आपने। देखो यार Thank you.
बच्चे बन गया ये बना दूं नहीं बताऊं बच्चे किसी ने पूछना है विकास को पूछना M times of the amateur of an AP is equal to N times. MTM is equal to NTM. अब देखो M into A plus M minus 1D is equal to N into A plus N minus 1D. अब देखो यहां सबको एक साथ लिया. M A plus M square D minus MD. Minus n a minus n square d plus n d is equal to 0. Yani a into m minus n plus d into m minus n into m plus n minus d into m minus n. Kya ho gaya? 0. So a into m plus n minus 1 d. Kya ho gaya? 0. तो t of m plus n क्या होगा बच्चे जिसे नहीं समझ आए बच्चे पूछ लो फिर से चलो बना बच्चे जल्दी
बच्चे बन गया? किसी को पूछना भी है बच्चे? जे सवाल किसी को पूछना है? विचार लो, दूसरा सवाल लिख दू? चलो बनाओ तो बच्चे जल्दी, बच्चे तुम लोग ने पिछले दिन लास्ट क्लास के बारे में 1 आवर की बात की थी ना, 6 बजे से जो होता है ये 4 बजे वाली क्लास है, तो फिर ये तो 1.5 घंटे की होगी, 4 बजे वाली, 6 बजे वाली 1 घंटे की होगी। हमने तो 6 बजे वाले के लिए बात की थी ना, 4 बजे वाले के लिए बात की थी कि आपने आगे पूछा है ना, तो क्यों नहीं है बात जो बात की। हमें तो कुछ काम नहीं, जो काम में ड्राइवर करेंगे तो बात तो बोल दो, हाँ पक्का वो बोल ड्राइवर करेंगे।
बन गया बच्चा। थैंक यू सब लोग, बना लिया बच्चा। मिटा दूं किसी ने पूछना है? देखो दो एपी है और इसमें कितने टर्म आइडेंटिकल होंगे, ये बच जाएगा सबसे। लगा आदमी
बच्चे बन गया है सवाल। आंसर है 20 आइडेंटिकल टर्म्स होगा, अरिमिया का नहीं बना। चलो जिसने नहीं बनाया वो देखो बच्चे ध्यान से देखना। सबसे पहले फर्स्ट सीरीज है 2, 5, 8, 11 और दूसरा टर्म है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब आप देखो मैच जो करता है वो मैचिंग यहां पे होता है, कॉमन यहां पे आता है दोनों में एक ही चीज और यहां पे आता है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द कॉमन सीरीज फाइव ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ द कॉमन सीरीज क्या हो जाएगा 6, 5, 11, 11, 6, 17, 6 फर्स्ट टर्म कॉमन सीरीज का आ गया। और ये अब एक चीज देखो बच्चे, इसको मिटाता यहां पे जरा देखना इसका 50वां टर्म क्या होगा। फर्स्ट सीरीज है ये, फर्स्ट का 50वां क्या होगा 50 2 + 50 - 1 × 3 कितना होगा 151 होगा ना 50 किया 150 ठीक है 149 होगा 360 इसका 3 + 60 - 1 × 2 कितना 124 121। अब देखो इसके लास्ट टर्म है 149 और इसके लास्ट टर्म है 121 तो कॉमन तो 121 से कम ही होगा ना, तो कॉमन टर्म जो होगा दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन 121। तो जो सीरीज कॉमन बनेगी यानी टी डैश एम शुड बी लेस देन 121, टी डैश एम को 121 से कम होना है क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 121 है इसकी 149, तो कॉमन तो 121 से नीचे ही मिलना है ना, तो लेस देन इक्वल टू कर लो। अब देखो टी डैश एम क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म में 5 कॉमन डिफरेंस है 6 और लेस देन इक्वल टू 121, तो n माइनस 1 इनटू 6 लेस देन इक्वल टू 116, तो n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 116/6 यानी n लेस देन इक्वल टू 20 n 1/3 therefore n is equal to 20 यानी 20 टर्म कॉमन होंगे। समझ आया बच्चे, चलो जल्दी लिखो
अब क्या बच्चे लिख लिया सब लोग? सर लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। लास्ट स्टेप में क्या है फिर से सुनना बच्चे, जब हम इसमें कॉमन ले रहे हैं पहली टर्म 5 दूसरी 11 और ये खत्म हो जा रहा है 121 पे और ये 149 पे, तो कॉमन तो 121 से पहले या 121 तक ही मिलेगा, उसके बाद कॉमन कहां से मिलेगा, ये 149 तक गया है। तो जब कॉमन टर्म का जो सीरीज बनेगा, जो सीरीज बन रहा है 5, 11, 17, उसके जो लास्ट टर्म होंगे वो 121 से जरूर कम होगा, तो इसका मतलब जो लास्ट टर्म ऑफ द कॉमन सीरीज छोटा यानी क्या होगा मतलब क्लोजेस्ट 20, तो मैक्सिमम 20 टर्म कॉमन होंगे। समझ आया नहीं आया तो रख लेना बच्चे, 10th क्लास का सवाल है। मिटा दूं विचार दो बच्चे। विचार दो बच्चे। सवाल दे रहे हैं फाइन विकास तुम्हारे लिए नंबर ऑफ टर्म्स कम टू द टू एपीज 2 9 16 7 0 9 Find the number of term common to विकास, इसको बना लोगे ना? सेम सवाल है भैया तुम्हारे लिए, देखता हूं अब क्लियर हुआ कि नहीं।
उभय रेखा बच्चे विकास बन गया सबका अल्लाह अकबर 14 आइडेंटिकल टर्म आंसर कितना आया 14 14 आइडेंटिकल टर्म होगा प्रोटीन हां प्रोटीन से चेन ऑफ अमीनो एसिड हो इज द मेंडेलियन पेप्टाइड हो देखो बच्चे 3 7 11 दो नौ सोलह बाबा रे तीन चार सात चार ग्यारह चार पंद्रह उन्नीस तेईस सत्ताईस और दो सात नौ दो नौ नौ सात सोलह ट्वेंटी थ्री तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चा इसका फर्स्ट टर्म कॉमन क्या निकला 23 तो फर्स्ट टर्म ए हो गया 23 में अब देखो कॉमन डिफरेंस इसका कॉमन डिफरेंस क्या है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चे 4 3 4 7 4 11 और इसका क्या 2 7 9
दोनों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ सी डी वन सी डी टू क्या हो जाएगा, चार और सात का एलसीएम कितने होंगे 28। तो कॉमन डिफरेंस जो इसका होगा, कॉमन डिफरेंस वो आ गया 28। ठीक है ना बच्चे, 28 हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। अब देखो 28 आ गया, इनके मास्टर 407 है, तो इसकी टीएन क्या होगी, 407 से छोटा। फर्स्ट टर्म के है 23, तो फर्स्ट टर्म 23 प्लस एन माइनस वन इंटू 28 शुड बी इज द 407। अब यहां से बना लो, बन जाएगा। देखो तो ट्वेंटी नहीं आ रहा मिया विकास, 28 आ रहा है ना, सेवन और चार का। आंसर का की आया 14 आइडेंटिकल चार, बिल्कुल सही। चलो जी जल्दी करो, लेना दे तो छोड़ देते तब हो गया तो क्लास तो यो ले। चल बन गया बच्चे, आगे मिटा दो इसको। मियानीस ये प्रूफ करो तो A1
literary data from N M R A P. इस टाइप का तो टेंथ में बनाए बच्चे किसी को पूछना है इस बार मेरा नहीं बन रहा है बंसी मोहतरमा इसको देखो भाया रेशनलाइज कर लो ये देखो रूट ए टू माइनस रूट ए वन डिवाइडेड बाय ए टू माइनस ए वन देखो मोहतरमा ए थ्री माइनस रूट ए टू डिवाइडेड बाय ए थ्री माइनस ए टू देखो मोहतरमा ए फोर माइनस ए थ्री डिवाइडेड बाय ए फोर माइनस ए थ्री देखो मोहतरमा रूट ए एन माइनस वन
डिवाइडेड बाय ए एन माइनस वन। जरा देखो मिया, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस वन। कॉमन डिफरेंस डी के बराबर, क्योंकि ये सारे टर्म ए बी में है, दो दो का डिफरेंस डी के बराबर। तो क्या हो गया मिया, वन बाई डी लिख सकते हैं, कॉमन निकाल लो सबसे, रूट ए टू माइनस रूट ए वन प्लस रूट ए थ्री माइनस रूट ए टू प्लस रूट ए फोर माइनस रूट ए थ्री रूट ए एन माइनस रूट ए एन माइनस वन। अब देखो क्या ए टू ए थ्री ए टू ये सब कट गया, यहां से बचा क्या, वन बाई डी रूट ए एन माइनस रूट ए वन, ये बचा ये बचा। तो अब देखो मिया, यहां से समझना बात, इसको मिटा देते हैं। जरा देखो ये जो है रैशनलाइज कर दो, तो डी हो गया ए एन माइनस ए वन डिवाइडेड बाय रूट ए एन प्लस रूट ए वन। अब देखो मिया ए एन क्या हो जाए, ए एन है ए प्लस ए वन प्लस एन माइनस वन बी। तो अब देखो ए एन माइनस ए वन क्या हो गया, एन माइनस वन बी, यहां पे डाल दो तो वन बाय डी एन माइनस वन इंटू डी रूट अंडर ए एन प्लस रूट अंडर ए वन। अब देखो मिया डी डी कैंसिल, शायद प्रूफ हो गया होगा। अच्छा प्रूफ हो गया, आ गया मिया, जिसने समझ लिया छपाई कर दो। जटिल मिया बन गया, बन गया बच्चे। जे देखो ए टू माइनस सेवन ए थ्री माइनस ए टू सबके बराबर डी है, सबका डी बाहर ऊपर वाला साफ। जतिन मिया लिख लिया विचार दो, एक्सरसाइज 19.2, एक्सरसाइज 19.2 यहां तक कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज 19.2 कल एक्सरसाइज 19.3 के लिए आगे बढ़ेंगे अगले दिन। एक्सरसाइज 19.2 तक कंप्लीट हो गया है।
लिख दिया बच्चे, इसको बनाओ तो बच्चे सेम सवाल है। तन्मय बनाओ, क्या का बच्चे और दफा दे सबका बन गया बच्चे, किसी को पूछना है? कोई है जिसने पूछना है बच्चे? आर्यन को करवा दो,
चलो बच्चे एक काम करो, D से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो D आ गया, यहाँ आ गया D by A1 A2, D by A2 A3, D by A3 A4, dot 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 D by AN minus 1 AN. अब देखो बच्चे D को हम लोग क्या लिखेंगे, A2 minus A1 by A1 A2, A3 minus A2 by A2 A3, A4 minus A3 by A4 A3, dot 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 AN minus AN minus 1 by AN AN minus. अब देखो बच्चे ये जो है इसको क्या लिखेंगे, 1 by D, ये हो गया 1 by A1 minus 1 by A2 plus 1 by A2 minus 1 by A3 plus 1 by A3 minus 1 by A4 plus 1 by AN minus 1 by AN. अब देखो बच्चे जो जो सेम आया कटेगा कटेगा करते 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 सब कट जाएगा, इसका फर्स्ट बचा इसका लास्ट बचेगा, बचेगा क्या क्या, 1 by D AN minus A1 by A1 AN. अब देखो इसकी वैल्यू को हमने बनाए थे वो था N minus 1 into D divided by A1 AN D D gets. आ गया बच्चा, जो समझ गया वो लिख लो, जो नहीं समझा वो छाप लो. आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज. है ना, मिटा दूं? लिख लिया बच्चे, आज एक ही घंटे का क्लास है इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा. बिचारू